हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइज 3.5 को ही प्रोसीड कर रहे हैं फिर से, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग साइज 3.5 का ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 तक हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4, जो वर्ड प्रॉब्लम था आपका। तो क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, 4 का 4 में कि प्लेस ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। बोल रहा है क्या, एक हाईवे है जिसमें दो प्लेस है ए और बी, जो एक दूसरे से कितना दूरी किलोमीटर दूर में है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए कि ये हाईवे है, इसको हाईवे को हिंदी बोलते हैं हम लोग, इसको राजमार्ग। तो इस राजमार्ग में दो प्लेस है, दो जगह है ए और बी। ए और बी दो प्लेस है और ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर, ये हमको गिवन है। ठीक, बोल रहा है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। एक कार यहाँ पर है, वो यहाँ से स्टार्ट करना चलता है और जो ये दूसरा कार है वो यहाँ से स्टार्ट होता है चलना। ठीक, एट द सेम टाइम, और उस सेम टाइम में मतलब ये मान लीजिए 10 बजे स्टार्ट होता है, ये भी कितना होता है, 10 बजे ये चलना स्टार्ट करता है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अब बोल रहे क्या, जो कार है, अगर कार जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मतलब एक ही दिशा में क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये जो है इधर ट्रेवल कर रहा है तो ये भी क्या इधर ही ट्रेवल करेगा, एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहा है। तो दे मीट इन 5 आवर्स। तो ये एक दूसरे को कहीं यहाँ पर मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए पी है और ये जो दोनों है वो यहाँ पर 5 मिनट में, सॉरी 5 घंटे में क्या करता है, वो 5 आवर में वो दूसरे को मिलता है। तो ये मिलेगा कब, ये कब पॉसिबल है, जब इसका स्पीड क्या है, इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम होगा, इसका स्पीड क्या होगा, अधिक होगा, तब ये क्या होगा, ये स्लो स्लो जाएगा, ये क्या होगा, फास्ट में जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट पी पास मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। अगर दोनों का स्पीड अगर सेम रहता तो इसका क्या हो जाता, ये दोनों कभी आपस में कभी कहीं पर नहीं मिलता नहीं, लेकिन ये इसका जो स्पीड मान लीजिए, इस पर स्पीड क्या बोल रहा था यहाँ पर, डिफरेंट है, दोनों का जो स्पीड क्या है, डिफरेंट है, मतलब इसका अधिक होगा इसका क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब इसका स्पीड कम होगा तभी क्या होगा, ये दूसरे को यहाँ पर मान लीजिए मिल पाएगा। और कितना घंटा में मिलता है ये, 5 घंटा बाद वो क्या करता है, वो दूसरे को मिलता है। ठीक, तो यहाँ तो मतलब काम करें था पहले लोग हिंदी में बोलेंगे क्या, देखिए यहाँ पर पहले तो समझा दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए आप। एक राजमार्ग क्या बोल रहा है, एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है। दो, एक राजमार्ग में ये दो प्लेस है, दो स्थान है ए और बी, जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। एक कार जो है ए जगह ए स्थान से और दूसरा कार जो है वो बी से चलना प्रारंभ करता है एक ही समय समय मतलब एक ही टाइम पर। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, बोल रहे क्या, यदि ये कारें जो है उसका जो स्पीड है, चाल है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। इसके लिए हम लोग का मान लिए कि जो फर्स्ट के जो फर्स्ट स्पीड है, फर्स्ट कार का जो स्पीड है वो मान लीजिए क्या, x किलोमीटर, और जो सेकेंड कार का जो स्पीड है वो कितना मान लीजिए हम लोग, y किलोमीटर। हम लोग का स्पीड इसमें दिया था कि इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड कितना है, हमको उन्हें गिवन है। तो मान लीजिए जो फर्स्ट कार है उसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर, और जो सेकेंड कार है उसका स्पीड कितना मान लीजिए, y किलोमीटर। हिंदी में बोले तो पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर और दूसरी कार का चाल जो बराबर y किलोमीटर मान लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहली कार जो है, फिगर पर देखें, पहली कार जो है वो कितना दूर तक चलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चलता है, मतलब इसको एपी तक चलता है, डिस्टेंस कितना कवर करता है ये, एपी तक। और जो दूसरा कार है, ये सेकेंड कार जो आपका है, वो कितना चलता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, पता कि नहीं। तो हमको बोल रहा क्या कि फर्स्ट कार के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, पहली कार द्वारा तय की दूरी कितना डिस्टेंस वो तय किया, ये हमको निकालना है। तो हम जानते क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमको अगर यहाँ पर डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में देखा, डिवाइड में देखा, मल्टीप्लाई में देखा, एंड स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यानी हमको दूरी निकालना हो, हिंदी में बोलेंगे कि दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय से बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस कवर बराबर फर्स्ट कार, फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमको निकालना है। तो हमको क्या फॉर्मूला चाहिए, हमको स्पीड इंटू टाइम चाहिए। तो मेरे पास स्पीड कितना है, स्पीड मेरे पास पहला कार का कितना है, x किलोमीटर, और इनटू टाइम कितना है, एक कार जो यहाँ से कितना चलता है,
5 घंटा चलता है, हमको दिया हुआ है कि ये जो कार है फर्स्ट कार और सेकेंड कार जो है वो दूसरे को कहाँ यहाँ पर मिलता है कितना घंटा में, 5 घंटा में। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट कार है वो भी 5 घंटा चला और जो सेकेंड कार है वो भी क्या हुआ 5 घंटा चला है। तो टाइम इसका कितना हो गया 5, यानी कितना हो गया 5x। इस तरह सेकेंड कार के लिए, सेकेंड कार का स्पीड इंटू टाइम 4 गुना समय, तो यहाँ से आपका 40 का कितना है y, और इसका टाइम कितना है भी, इसका भी टाइम कितना है 5, तो कितना हो गया ये 5y। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, देखो पर एपी को, इस पूरे एपी में से हम अगर एबी को घटा देते हैं, या फिर ऐसे लेते हैं एपी माइनस बीपी, इस पूरे में से हम इस बीपी को माइनस करेंगे तो हमको ये एबी मिलेगा कि नहीं, इस पूरे एपी में से हम क्या करेंगे, इस बीपी को माइनस कर देंगे तो हमको ये मिलेगा, इस पूरे में से हम इतना काट के निकाल देंगे तो हमको ये बचेगा कि नहीं। तो वही हम चीज को हम यहाँ लिखेंगे कि एपी में से इस बीपी को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस एबी मिलेगा। और हम लोग निकाल चुके हैं कि एपी कितना निकाल चुके हैं 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5x, और बीपी कितना निकाल चुके हैं 5y। और देखिए एबी मेरे पास कितना है, एबी यहाँ पर कितना है मेरे पास 100, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 100, तो यहाँ से 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5 कैंसिल होके 20 बार में, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 20। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह हम लोग इसका सेकेंड इक्वेशन भी निकालेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, इसे हम लोग यहाँ तक काम कर चुके हैं 5 आवर तक। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इफ दे ट्रेवल टुवर्ड इच अदर, टुवर्ड्स इच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ, मतलब ये इधर ट्रेवल कर रहा है तो ये इधर इधर जा रहा था पहले, अब पहला किस्म में, अब दूसरा किस्म में क्या हो रहा है, इधर से ट्रेवल कर रहा है। दे मीट इन 1 आवर, तो मान लीजिए यहाँ पर ये जाके मिल गया, ये इधर से ट्रेवल कर रहा है और ये इधर से ट्रेवल कर रहा है, तो ये दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर ट्रेवल किया, कितने घंटा में ट्रेवल मिला 1 घंटा में, तो सेम टू सेम वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, ये जो फर्स्ट कार है और जो सेकंड कार है, अब इधर से नहीं जा के ये कार जो है अब इधर चल रहा है इधर की ओर, और ये कार इधर की ओर जा रहा है, तो मान लीजिए ये दोनों जो है यहाँ पर मिला, और कितने घंटा मिलता है ये 1 घंटा बाद मिलता है, 1 घंटा बाद मिलता है। तो मान लीजिए जो डिस्टेंस जो है, पहला कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से बस यहीं तक एक यू डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना, और जो सेकेंड कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बी से क्यू तक, बस बी से क्यू तक ही जा रहा है बस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया ये बी क्यू, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, डिस्टेंस निकाल फॉर्म तो पढ़े थे, डिस्टेंस निकाल फॉर्म क्या पता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू क्या पढ़े थे टाइम, यहाँ पर स्पीड पहला कार का स्पीड कितना माने हैं एक्स, और टाइम कितना है ये कितना घंटा चलता है 1 घंटा, यहाँ कितना हो गया एक्स बन जा एक्स इतना किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी क्यू के लिए, सेकेंड कार के लिए, सेकेंड कार का स्पीड कितना है वाई, और इसका जो टाइम कितना है ये भी कितना घंटा 1 घंटा चल रहा है, तो 1 = y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से देखिए पूरे ए बी में से, अब ए बी इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इस ए बी कैसे करेंगे हम लोग, जिससे वहाँ पर खेलते थे फर्स्ट में ए क्यू को इसमें बी क्यू को जोड़ देंगे, ए क्यू और बी क्यू को जोड़ देंगे तो पूरा मिलेगा कि नहीं ए बी, वही लिखेंगे हम आप ए क्यू को और बी क्यू को, ए क्यू प्लस बी क्यू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ए बी मिलेगा, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग ए बी, और ए क्यू कितना निकाले हम लोग एक्स, और बी क्यू कितना निकाले हैं वाई इज इक्वल टू ए बी कितना मेरे पास है 100। ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का क्या था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये आपका था फर्स्ट इक्वेशन, जिसको आप कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ ग्राफ मेथड को, ग्राफिकल मेथड को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है ये का सोल्यूशन होगा एलिमिनेशन मेथड से, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग या फिर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 को और 2 को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा ये वाई वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 120, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, तो x इज इक्वल टू 120/2 कैंसिल हो गया कितना हो जाएगा ये 60, यानी x का हमको कितना मिल गया हमको
60 मिल गया, एक्स का वैल्यू 60 मिल गया, मतलब क्या समझे हम लोग कि जो पहला कार का जो स्पीड है कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोलेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकेंड, किसी में पुट कर देंगे। तो मान लीजिए हम वन में पुट करें या फिर टू में पुट करते हैं, किसी में पुट करते हैं, वन में या टू में किसी में पुट करते हैं। तो वन इम्प्लाइज सॉरी टू इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना मेरे पास है 100, तो एक्स इक्वल कितना मिला 60, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 60 प्लस 60 हो गया माइनस 60, तो वाई इक्वल कितना मिल गया 40। और यहाँ पर लिखेंगे फिर हेंस द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू, फर्स्ट कार का कितना माने थे एक्स माने थे, तो कितना मिला 60 किलोमीटर पर आवर। हिंदी रखेंगे पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, तथा स्पीड ऑफ सेकेंड कार तथा दूसरी कार की चाल बराबर कितना मिला 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। बोल कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है 9 स्क्वायर मीटर का होता है, कम हो जाता है, घट जाता है। कब कम होता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, जब उसका लेंथ को 5 यूनिट का करता है कम कर दिया जाता है, और जो ब्रेथ है उसका चौड़ाई जो है उसको क्या करता है बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है 3 यूनिट। इसको पहले यहां वाला समझते हैं, पहले यहां तक क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, हिंदी बोलते हैं इसको लो आयत, एक आयत है, इसका जो एरिया है इसका एरिया क्या होता है एक्स वाई, इसको मान लीजिए इसका लेंथ मान लीजिए एक्स, और इसका जो ब्रेथ है कितना मान लेंगे वाई, तो इसका एरिया कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्म होता है एल इंटू बी, यहां से एल ये ब्रेथ है तो इसका एरिया कितना होगा एक्स वाई, तो इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट का होता है कम होता है, 9 स्क्वायर यूनिट का होता है कम होता है, कब, जब इसका लेंथ में हम 5 यूनिट का करते हैं, 5 यूनिट हम कम कर देते हैं, और जो ब्रेथ है उसे कितना करते हैं 3 यूनिट हम इसको ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब इसका जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, ये कम हो जाता है। तो यहाँ वही बोलेंगे लोग, जो लेंथ है उसको मान लेंगे एक्स, और जो ब्रेथ है कितना मानेंगे वाई, जिसके लिए लेंथ को एक्स मान लिए और जो ब्रेथ है उसको मान लिए वाई, जिसका जो एरिया होगा जो इसका क्षेत्रफल होगा कितना होगा एक्स वाई होगा। अब एक्स वाई होगा तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या जानते हैं हम लोग कि हम लोग बोल रहे हैं कि एरिया जो है एरिया कितना है एक्स वाई, ये 9 यूनिट का होता है, 9 मात्रा कम हो जाता है, कब कम होता है जब इसका लेंथ को, लेंथ क्या है एक्स है, लेंथ को हम क्या कर रहे हैं 5 माइनस कर दे रहे हैं, 5 घटा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं, 5 हम क्या कर रहे हैं इसका, इफ द इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब कम करना, 5 यूनिट कम कर जाता है, और जो ब्रेथ है ब्रेथ में क्या कर रहा है 3 यूनिट ऐड कर दे रहा है, ब्रेथ कितना माने हम लोग वाई, तो वाई में क्या कर रहा है 3 ऐड कर दे रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, तब इसका जो एरिया है 9 यूनिट का होता है बढ़ जाता है, घट जाता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे लोग, तो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, फिर एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से करेंगे, तो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आएगा एक्स वाई माइनस 5 वाई प्लस यहाँ पर आएगा 3x माइनस 35 जो 15। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई कट गया आपका, ये इसके तरह का बचा 3x, यहाँ का बचा, यहाँ बचा आपका 3x माइनस 5y और यहाँ बचा माइनस 9, ये माइनस 9 15 देखा हो गया प्लस 15, तो यहाँ सबका हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना मिलेगा 6, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इस तरह आप सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन देखिए एंड, सेकेंड में क्या बोलता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर बोल्ड कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ कितना माने एक्स, इसमें हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, 3 यूनिट क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी क्या करते हैं 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, ब्रेथ को भी क्या करते हैं, ब्रेथ माने हम लोग वाई, तो वाई को क्या करते हैं 2 यूनिट उसको भी बढ़ा देते हैं, तब इसको जो इसका जो एरिया जो है, इसका जो एरिया है उसका सर्कल जो है वो इतना बढ़ जाता है, मतलब एरिया कितना है एक्स वाई
इसका एरिया कितना होता है एक्स वाई है, और एक्स वाई में जो 67 का होता है बढ़ जाता है। अब फिर से इसको शो कर देंगे बस, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे y से, और फिर से x प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस 67, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2x, और प्लस 2 से जो 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 6 करेगा माइनस 6 जाएगा, मतलब 67 माइनस 6, तो यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 61। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, इसको अब दोनों को सोल्व कर देना हमको। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ब्रश गुणन विधि से। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले हम लोग इस तरह फॉर्म में लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं लोग, x बाय लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं y बाय, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वाला इसका 1 बाय। अब इसका x का लिखने के लिए, यहाँ पर x का लिखने के लिए क्या करते थे हम लोग, x को ढकते थे, x को क्या करते थे हम लोग ढकते थे, तो x को ढकेंगे तो मेरे पास ये चीज बचा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे माइनस 61 से, तो माइनस 5 इंटू माइनस 61, फिर यहाँ माइनस आने देते थे, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करते थे, यानी 3 को मल्टीप्लाई कैसे करते हम लोग माइनस 6 से। ये आपका हो गया x का कोएफिशिएंट लिखा गया यहाँ पर। उसके बाद y को लिखने के लिए y को ढकते थे हम लोग, y को लिखने के लिए क्या करते थे हम लोग, y को ढक देते थे, तो y को ढकेंगे हम तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस 6 इंटू 2, इससे इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 6 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इस 2 से, फिर यहाँ माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग इससे, तो माइनस 61 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब बच गया कोएफिशिएंट वाला ये 1 का, तो 1 का ढकेंगे हम लोग कॉन्स्टेंट वाला, कॉन्स्टेंट ढकेंगे तो ये बच्चा इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 5, कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से एक्स बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जो 5 और 5 6 जो 30 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस 6 3 जो 18 इज इक्वल टू वाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बंदो 3 3 सीजो 18, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जो 9 और इसको माइनस माइनस प्लस 5 2 जो 10। एक्स बाई इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 8 3 2 3 323, और इज इक्वल टू वाई बाई इसको इससे माइनस करेंगे 3 में से 2 और 8 में से 1 गया तो 7 और 1 में 1 से 1 लगी यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 10 बड़ा का इसका, यहाँ 1 बाय 10 प्लस 9 कितना हो गया 19। अब हम लोग क्या करते थे इसको निकालने के लिए, x का भी निकालने के लिए इसको इससे इक्वल करते थे, तो x बाय 323 को बराबर किससे करेंगे 1 बाय 19 से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x हो जाएगा, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 323 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 323 बाय यहाँ पर 19, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से काटेंगे इसको 19 से, तो ये 19 वन जो 19 और यहाँ पर 7 बन करेगा 97 जो 133 जगह, यानी आपका ये x का वैल्यू कितना हो गया 17। और उसके बाद y को निकालने के लिए y बाय 171 को निकालने के लिए 1 बाय 19 इसको इससे बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा y ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 19y इज इक्वल टू 171, तो y इज इक्वल टू 171 बाय 19, 19 से कितना करेगा 99 जो 171, तो ये कितना हो गया y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 7 और 9 y इक्वल टू 9, आपका आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू।